1 2 3 मणिपुर में जो भी हो रहा है आज से वो बहुत रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इंडिया में चल रहा है, मगर मणिपुर में रूल ऑफ लॉ चल रहा है, रूल ऑफ लॉ चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन चल रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जितना एक्शन लेना था अब तक उतना एक्शन मणिपुर में लिए नहीं, इसीलिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत खराब हो गया, और औरतों को पूरा कपड़े करके नंगे करके ये खबर आती रोडों पर चलाना, यही थे आज सिद्धेश्वर में इतना खतरनाक और इतना 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 गंदा इश्यू है कि सारा दुनिया हमारे तरफ देख रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारी इज्जत चले गया मणिपुर में जो ये इंसिडेंट होने के लिए वहाँ पे रूल ऑफ लॉ करना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन हुआ, और हम वकील भी इसी बात पर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग ये स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि आप मणिपुर में जो गवर्नमेंट है उसको बरतरफ करो और राष्ट्रपति पालना रखो, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे पूरा चार्ज लेंगे, वहाँ पे जो भी सुनवा रहा है उसमें निर्धारण है, क्योंकि वो मेथी हो सकता है, वो कोई नागा हो सकता है, वो कोई कुकी हो सकते हैं, कोई भी हो, सब लोग हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया ही है। इसके साथ भी नाइंसाफी हुआ वो नाइंसाफी है, और औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो पूरे औरतों के लिए बहुत एक शर्मनाक बात है, और हम सबको बहुत चिंता हो रही है इसके, क्योंकि ये किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, और किसी की ये रिश्तेदार भी हो सकती है। ऐसे हालात में औरतों के ऊपर इतना जुल्म करना ये बहुत बिल्कुल नाइंसाफी है। हमारा मिलिट्री बहुत पावरफुल है, हमारा इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है, हमारा पोलिसिंग भी अच्छा है, मगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है इतने रोजों से, अति दिनों से, फिर भी हर जगह वहाँ पे क्यों दंगे हो रहे हैं, ये इसीलिए कि पॉलिटिकल भी नहीं है। इसीलिए मैं रूलिंग पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को, सबको ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स बाहर बाजू रखिए, देश का सुरक्षा देखिए, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे बचाइए, यहाँ मणिपुर के औरतों को बचाइए, मणिपुर में शांति लाइए, और देश का इज्जत भी बचाइए। यही हमारे सब वकीलों का हमारे तरफ से ये आपको पूरा ये एक रिक्वेस्ट है, मगर ये बहुत जरूरी है। जय हिंद।